इससे जो जो एग्जेम्प्ट हैं वो मैं बता देता हूं. जैसे मैंने बताया टू व्हीलर्स पे लागू नहीं होगा ऑड इवन. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, व्हीकल्स ऑफ यूनियन मिनिस्टर्स, दिल्ली के मिनिस्टर्स पे ऑड इवन लागू होगा. इस केंद्र सरकार के मंत्रियों पे लागू नहीं होगा, वो एग्जेम्प्ट होंगे. राज्यसभा के और लोकसभा के लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन, व्हीकल्स ऑफ चीफ मिनिस्टर्स ऑफ अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली. चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली पे ऑड इवन लागू होगा, बाकी राज्यों के और यूनियन टेरिटरीज के चीफ मिनिस्टर्स पे ऑड इवन लागू नहीं होगा. व्हीकल्स ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, व्हीकल्स ऑफ चेयरपर्सन यूपीएससी, व्हीकल्स ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर्स एंड व्हीकल ऑफ सीएजी, व्हीकल ऑफ डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, व्हीकल ऑफ डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, व्हीकल ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, व्हीकल्स ऑफ चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, व्हीकल ऑफ लोकायुक्ता. Emergency vehicles will be exempt, which includes ambulance, fire brigade, hospital, prison, hearse vehicles. Enforcement vehicles be exempt honge. Police ke vehicles, transport department, Delhi Sarkar ke transport department ke vehicles, and vehicles so authorized by Divisional Commissioner GNCTD, paramilitary forces. Vehicles bearing Defence Ministry number plates, they will be exempt. Vehicles which are having pilot or escort. Vehicles of SPG protectees, embassy vehicles bearing CD numbers, CNG vehicle is baar iske daire mein aayenge jo pichli baar CNG vehicle exempt the. Vehicles being used for medical emergencies, agar koi medical ki wajah se ja raha hai to trust based agar kehte hain ki ji patient hai to we will believe him and we will allow him. Women only vehicles, जो मैंने बताया था महिलाओं जिसमें केवल महिलाएं हैं या 12 साल से कम उम्र का बच्चा है. व्हीकल्स ड्रिवन ऑक्यूपाइड बाय हैंडीकैप पर्संस, व्हीकल्स ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन दिल्ली एंड चंडीगढ़ एंड व्हीकल्स डिप्लॉयड बाय द कमीशन विद इलेक्शन ऑब्जर्वर्स, रिटर्निंग ऑफिसर्स, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स एंड सिक्योरिटी व्हीकल्स एक्सेट्रा एंड व्हीकल्स कैरिंग चिल्ड्रन इन स्कूल यूनिफॉर्म. अगर किसी गाड़ी के अंदर बच्चा, क्योंकि इस दौरान स्कूलों की छुट्टियां नहीं होंगी, तो अगर किसी गाड़ी के अंदर स्कूल की यूनिफॉर्म पहने हुए बच्चा है तो हम एज्यूम करेंगे कि उसको स्कूल छोड़ने जा रहे हैं या लेने जा रहे हैं, तो वो एग्जेम्प्ट होगा. सो ये है अभी तक की एग्जेम्पशंस. और एक और मुद्दा है, फिर एक साथ क्वेश्चंस ले लेंगे. अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने सारे लगभग 50 एमएलएज ने पूरी दिल्ली की जो पीडब्ल्यूडी की रोड्स हैं, 1260 किलोमीटर रोड्स हैं, उनका खुद जाके मुआयना किया था. और हमारा मकसद था कि एक साथ दिल्ली की सारी दिल्ली सरकार के अंडर में जो रोड्स आती हैं उनको दुरुस्त किया जाए. उस मुआयने में 232 गड्ढे मिले. इन सारे गड्ढों को कल तक ठीक कर दिया जाएगा. उसमें टीम्स लगी हुई हैं, काफी गड्ढे ठीक कर दिए जाएंगे. कल उनको आखिरी वो दिया हुआ है. 283 पैचेस मिले जहां पे सड़कें थोड़ी थोड़ी टूटी हुई थी, उनको 31 अक्टूबर तक ठीक कर दिया जाएगा. 272 अनइवन रोड्स मिले, थोड़े से लंबे पैचेस कह सकते हैं, उनको 30 नवंबर तक रिसर्फेसिंग कर दी जाएगी. और 392 ऐसे स्पॉट्स मिले जहां पे दूसरी एजेंसीज काम कर रही हैं, जैसे जल बोर्ड की मान लीजिए सीवर की लाइन डल रही है, रोड कटी हुई है, रोड कटिंग के हैं, या बिजली कंपनी की है, या पानी की पाइपलाइन की है, या इस तरह से है. इन सब की मैंने 24 अक्टूबर को मीटिंग बुलाई है सारे डिपार्टमेंट्स की, और इनको इनसे एक तरह से डेडलाइन ली जाएगी. इनमें कई जगह ऐसी मिली जहाँ पे काम खत्म हो चुका है और एजेंसीज के आपस के कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से वहां पे रोड दोबारा रिपेयर नहीं हुई है, उसको तुरंत एनओसीज वगैरह दिला के जो भी है उनको तुरंत रिपेयर कराया जाएगा. और जो बचेंगे उनसे एक डेडलाइन ली जाएगी कि भाई आप अपना काम कब खत्म कर रहे हो, ताकि उन बाकी बचे हुए सर्फेसेस को रिपेयर किया जा सके. तो
तो ये उसका आउटकम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उसके बाद दिल्ली सरकार के अंडर में जितनी सड़कें आती हैं वो सड़कें आपको बहुत अच्छी दुरुस्त हालत में हमेशा मिला करेंगे। अब अगर आपके कोई प्रश्न हो पिछली बार क्या किया था उसमें जो एनी व्हीकल जो स्कूल का बच्चा लेके जा रहा है वापस आ रहा है सो इसका मतलब ये है कि जो स्कूल टाइमिंग यूजुअली 7:30 7:30 का आसपास होते हैं तो अगर 8 से पहले दिन उसको वापस आना है सो दैट इज द क्लेरिफिकेशन। हाँ अगर गाड़ी के अंदर स्कूल की ड्रेस पहने हुए बच्चा है तो फिर वो इसको मैं क्लेरिफाई कर दूंगा। ये पिछली बार भी ऐसा था इसको कैसे लागू किया था इसको क्लेरिफाई कर दूंगा मैं। ऑफिस टाइमिंग का अभी जो एक मिस्टर ओपी अग्रवाल एक्सपर्ट है जिसको हमने हायर किया था उनकी रिपोर्ट की इंतजार कर रहे हैं। ऑफिस टाइमिंग हम स्टैगर करेंगे लेकिन इसकी डिटेल्स अभी हम आपको अगले हफ्ते बता देंगे। नहीं केवल चीफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर्स सबको सारे इसमें कवर्ड ऑड इवन लागू होगा सब पे लागू होगा। नहीं मेरे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कोई रिपोर्ट सबमिट हुई है तो जब जो रिपोर्ट सबमिट होगी यही मैं क्लेरिफाई कर रहा हूँ कि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास कि कोई ऐसी कोई रिपोर्ट या कोई फाइल सबमिट हुई है। जब सबमिट होगी या जब रिपोर्ट पुट अप होगा तो वी विल एग्जामिन दैट। अभी मुझे लगता है ऑड इवन भी अगर हो जाएगा और अगर आप पार्किंग के दाम भी बढ़ा देंगे तो फिर लोगों के लिए ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर ऑड इवन हो रहा है और लोगों को हम एनकरेज कर रहे हैं कि आप अपनी अपनी गाड़ियों के अंदर गाड़ी शेयर कीजिए एक एक गाड़ी के अंदर 3-4 लोग अगर जाते हैं शेयर करते हुए और उसके बाद अगर वो गाड़ी निकाल भी नहीं पाएंगे क्योंकि पार्किंग की भी फीस बढ़ जाएगी आई थिंक फिर क्योस होने का खतरा है। कई सारे कदम उठा रहे हैं। एक तो जैसे हमने बताया था दिवाली कलेक्टिव मनाई जाएगी मास्क बांटे जा रहे हैं नाइट विजिलेंस शुरू कर दिया गया है बहुत 16 टीम्स जो है वो निकली हुई हैं और जो जो कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट है जिसकी वजह से धूल उड़ती है बर्निंग ऑफ वेस्ट है इसके ऊपर बड़ी सख्ती की जा रही है उसके लिए टीम्स जो है वो मैदान में है। डे एंड नाइट जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है उनका विजिलेंस किया जा रहा है। रोड स्ट्रेचेज ऐसे जहां पे हैं जहां डस्ट ज्यादा उड़ रही है वहां पे फाइन किया जा रहा है और पानी को स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर जहां सड़कों के ऊपर जो रोड ओनिंग एजेंसीज हैं उनको डायरेक्शन दिए गए हैं कि वो सड़कों पे पानी का वो करें। उसका डेटा अभी तुरंत नहीं है पर मैं आपको दे दूंगा। देखिए एक तो आज मैं अखबार पढ़ रहा था कल आप लोगों को मैंने कुछ क्लेरिफिकेशन दिए थे तो वो ऐसे लगता है जैसे कोई एक्सपर्ट्स के साथ वो है। मैं सभी एक्सपर्ट्स की बहुत इज्जत करता हूं और मैं खुद भी इंजीनियर हूं और साइंस कम्युनिटी से आता हूं और साइंस कम्युनिटी के सभी लोगों की इज्जत करता हूं। जितने एक्सपर्ट्स अपनी अपनी ओपिनियन दे रहे हैं वो सभी ओपिनियन सही हैं लेकिन अलग अलग पर्सपेक्टिव में है। जैसे आज मैंने अखबारों में पढ़ा जो कई सारे एक्सपर्ट्स एक XYZ एक्सपर्ट जून 2015 की IIT कानपुर की रिपोर्ट पे निर्भर कर रहे हैं। वो रिपोर्ट सही है लेकिन वो जून 2015 की है उसके बेसिस पे आज की डेट के ऊपर हम एनालिसिस आप हम पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते। मैं आज आपके सामने एक रिपोर्ट लेके आया हूँ ये टेरी की रिपोर्ट है पिछले साल की टेरी की रिपोर्ट है 2017 में शायद ये 2018 अगस्त 2018 और ये 2016 और 2017 के डेटा पे बेस्ड है। ये रिपोर्ट ये कहती है
ये चार्ट है इसका, ये बनाई गई थी ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड टेरी दोनों ने मिलके। इसमें ये लिखा है कि विंटर में केवल 36% पोल्यूशन दिल्ली का अपने सोर्सेस से होता है, बाकी 64% पोल्यूशन दिल्ली का बाहर के सोर्सेस से होता है। ये भी एक रिपोर्ट है। समर में 26% पोल्यूशन दिल्ली का अपने सोर्सेस से होता है, बाकी सारा पोल्यूशन बाहर के सोर्सेस से होता है। एक ये रिपोर्ट है, फिर एक सफर की रिपोर्ट है। सफर जो है वो आज मैं पढ़ रहा था, वो कह रहे हैं हम सैटेलाइट से पिक्चर लेते हैं, फिर कैलकुलेट करते हैं कितनी आग जली, उसमें कितना किलो धुआं कार्बन निकला, फिर विंड की स्पीड कितनी थी। मेरा अपना ये कहना है कि जब तक मेरे को, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अभी इस वक्त जब हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर हवा में किस सोर्स से कितना पोल्यूशन है अभी इस वक्त, कोई भी एजेंसी ये बताने को, ये इसको कहते हैं, इसको प्लीज थोड़ा सा समझ, इसको कहते हैं रियल टाइम सोर्स अपोर्शनमेंट ऑफ पोल्यूशन, कि अभी इस वक्त दिल्ली की हवा के अंदर किस सोर्स से कितना पोल्यूशन है, ये अभी किसी के पास नहीं है। जब तक ये नहीं होगा, हम अगर 2015 की रिपोर्ट पे, 2017 की रिपोर्ट पे, 2018 की रिपोर्ट पे जाएंगे, आज अक्टूबर के महीने में 2019 के अंदर अभी पोल्यूशन के कारण बिल्कुल अलग होंगे। 2015 से 2019 के बीच में हमने 25% पोल्यूशन कम किया है। तो मेरा अपना ये मानना है कि आज की सच्चाई क्या है, आज की सच्चाई ये है कि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन अपना भी है और दिल्ली के अंदर पोल्यूशन बाहर से भी आ रहा है। ये सच्चाई है, कितना आ रहा है बाहर से और कितना अपना है, इसकी एग्जैक्ट एनालिसिस कर पाना इम्पॉसिबल है। पिछले ही हफ्ते एक एजेंसी ने कहा 1% पोल्यूशन, पराली की वजह से 1% पोल्यूशन है, दूसरी एजेंसी ने कहा पराली की वजह से 10% पोल्यूशन है। 10 गुना का तो इसी के अंदर डिफरेंस हो गया, तो साइंस कहां आई? देन देयर इज नो साइंस, अगर 10 गुना का डिफरेंस दो एजेंसीज के अंदर सेम डे को है। दिल्ली सरकार ने, हमने बजट में अनाउंस किया था, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के साथ हम लोगों ने टाइप किया है और मार्च के महीने में हमने पूरा सेटअप किया था। एक साल तक ये, अगले हफ्ते मैं आप सारे मीडिया को लेके चलूंगा अपने उस सेंटर में, एक साल तक वो पूरे डेली बेसिस पे दिल्ली के हवा का सैंपल उठा रहे हैं और एक साल ये एनालिसिस करने के बाद ये बेस डेटा दिल्ली की हवा का तैयार हो जाएगा और पोल्यूशन का तैयार हो जाएगा। 1 अप्रैल से अगले साल से हम लोग आपको रियल टाइम 4 घंटे के इंटरवल पे हम आपको रियल टाइम बेसिस पे बता सकेंगे। जैसे अभी 12 बजे हैं, हम आपको अभी ये बता सकेंगे आज सुबह 8 बजे दिल्ली की हवा में किस वजह से कितना पोल्यूशन था, वो रियल टाइम होगा। वो मशीनें हमारे पास आ चुकी हैं, वो हमारे पास है, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो करने के लिए एक साल की बेस स्टडी की जरूरत होती है जो अभी चल रही है। तो अभी आज की सच्चाई ये है कि बाहर की वजह से भी पोल्यूशन है, अंदर की वजह से भी पोल्यूशन है। दिल्ली के लोगों को केवल और केवल दिल्ली के लोगों को पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार ठहराना गलत है। बाहर की वजह से भी पोल्यूशन है, उस पर भी उतना ही ध्यान दिया जाना चाहिए जितना दिल्ली के लोगों को दोषी ठहराया जा रहा है। दिल्ली का पोल्यूशन, हमें दिल्ली के लोगों को बधाई देनी चाहिए कि पिछले 5 साल के अंदर उन्होंने जिस तरह से कई सारे हार्श मेजर्स को अपनाया है, पूरे देश में कोई भी ऐसा शहर नहीं है जिसने इतने सारे हार्श मेजर्स को अपना के और 25% पोल्यूशन कम कर लिया है। दिल्ली के लोगों ने करके दिखाया, दिल्ली के लोग बधाई के पात्र हैं, लेकिन हमें अभी और भी कम करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि अब हमें अभी और भी कम करना है, मैंने आपको इतने सारे तरीके बताए, हम डस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, पानी का छिड़काव करेंगे, सब कर रहे हैं, लेकिन जब तक बाहर से आने वाले फसलों के जलने के धुएं को टैकल नहीं किया जाएगा और उतना ही ध्यान उस पर नहीं दिया जाएगा, तब तक दिक्कत है। यस, आज ही अभी कैबिनेट ने डिसाइड किया है, वी हैव फिक्स्ड रेट्स, जितनी भी प्राइवेट बसेस हैं अब हम एडवर्टाइजिंग करके और उन बसेस को इनवाइट करेंगे कि ऑड इवन के दौरान जो जो बसेस अपनी सर्विसेज दे सकती हैं उन रेट्स के ऊपर उनको लिया जाएगा। 49 रुपीज पर किलोमीटर। वही वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी, दैट वाज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी, उनके साथ हमारा टाई अप हो गया है,
और उनके सारे इक्विपमेंट यहाँ पे हैं, वो मार्च से के महीने से ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं दिल्ली के। ये इंडिया गेट के राउंड अबाउट पे, वो जो इंडिया हॉकी डीपीसीसी की जो ऑफिस है उसके बगल में है। अभी ये सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सरकार अगर इससे ऑड इवन से रिलेटेड, पॉल्यूशन से रिलेटेड, सड़कों के गड्ढे से रिलेटेड कोई सवाल है तो बताइए। मैं किसी, देखिए एक मिनट प्लीज, ये मैं किसी के डेटा को डिस्क्रेडिट करने के लिए नहीं बैठा और किसी के डेटा को क्रेडिट करने के लिए नहीं बैठा। दैट्स नॉट द जॉब। किसी के, इट्स नॉट अबाउट फिंगर पॉइंटिंग। डेटा को क्रेडिट या डिस्क्रेडिट कर देने से दिल्ली का पोल्यूशन नहीं कम होने वाला। द ओनली लिमिटेड पॉइंट आई एम मेकिंग इज दैट द ट्रूथ ऑफ टुडे इज कि आज दिल्ली के अंदर अपने सोर्सेज की वजह से भी पोल्यूशन है और बाहर के सोर्सेज की भी वजह से पोल्यूशन है। ये फैक्ट है। कोई कहता है 1% है, कोई कहता है 10% है, ये स्टडी कहती है 70% है। सो द ट्रूथ लाइज बिटवीन 1% to 70% कि बाहर का पोल्यूशन 1% से लेकर 70% है। लेकिन तो दिल्ली के लोगों को केवल ब्लेम नहीं करना। दिल्ली के लोग कर रहे हैं पोल्यूशन कम, हम करेंगे। हमारी सांसें हैं, हमारी जिंदगी है, हमारी सेहत है, हम उस पोल्यूशन को जरूर कम करेंगे। ऑड इवन भी करने जा रहे हैं, मास्क भी बांट रहे हैं, दिवाली भी सेलिब्रेट। लेकिन जब तक बाहर के पोल्यूशन को भी उतनी ही शिद्दत के साथ टैकल नहीं किया जाएगा जो नहीं किया जा रहा अभी, तब तक दिल्ली के पोल्यूशन से इस दौरान अक्टूबर और नवंबर के महीने में निजात पाना मुश्किल है। अब जैसे जहां जहां ऐसा मैंने अभी आपको बताया, जहां जहां इस तरह से मिट्टी ज्यादा उड़ती दिखाई दे रही है, हम एजेंसीज के ऊपर फाइन कर रहे हैं। वहां पे सब जगह वहां पे प्रगति मैदान पे खास तौर से कुछ महीने पहले हमने काफी हैवी फाइन लगाया था। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी उनकी कंस्ट्रक्शन चल रही है उस पे उन्होंने डस्ट पे कंट्रोल किया होगा। लेकिन अभी भी हमारे डीपीसीसी के लोग और उनकी जो टीम्स हैं वो पूरी दिल्ली के अंदर जितनी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उन पे रेड भी कर रही हैं और उन पे नजर रखे हुए हैं। अगर आपकी नजर में कोई ऐसा आए हमें जरूर बताइएगा, हम उस पे एक्शन लेंगे। थैंक यू सो मच।